नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग रोगियों के बेहतर इलाज के लिए नई नई योजना लागू कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर व कर्मियों की लेटलतीफी की वजह से सदर अस्पताल समस्तीपुर में अपना इलाज कराने आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदर अस्पताल में कर्मियों के अस्पताल आने का समय निर्धारित है, लेकिन डॉक्टर व कर्मी अपने अनुसार अस्पताल में ड्यूटी करने आते हैं। जहां 8 बजे तक पर्ची काटने के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर खुलने व डॉक्टर को ओपीडी में बैठने का समय निर्धारित है, वहीं बुधवार 21 जुलाई 2022 को कोई भी डॉक्टर व स्टाफ समय पर अस्पताल नहीं पहुंचे थे, जिसके कारण सैकड़ों मरीजों को डॉक्टरों की आस में घंटों इंतजार करते देखा गया। वहीं सुबह के 9:15 बजे तक ओपीडी में मात्र 2 डॉक्टर ही अपने विभागीय कक्ष में देखे गए, बाकी सभी डॉक्टर व उनके सहयोगी ओपीडी से गायब थे। हालांकि मीडिया कर्मी की उपस्थिति की जानकारी जैसे ही उन लोगों को हुई, धीरे धीरे अस्पताल कर्मियों का आना शुरू हो गया। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर सदर अस्पताल के संबंधित पदाधिकारी ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है, देर से अस्पताल आने वाले चिकित्सकों तथा कर्मियों को चिन्हित कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से आए हैं? मोहनपुर से। क्या दिखाने के लिए आए? अच्छा, तो डॉक्टर है? नहीं आए हैं। कब आए आप? 8 बजे से। ये बात आपके द्वारा मालूम हुआ कि डॉक्टर ओपीडी में अनुपस्थित हैं। मैं इस चीज का जानकारी लेकर अपने स्तर से कार्रवाई करूंगा। इसके लिए हम प्रत्येक डॉक्टर को रिमाइंडर भेजते रहते हैं कि अपने सही समय पे सही जगह ड्यूटी अपना जहां लगा हुआ है आके निष्पादन करें। बायोमेट्रिक सिस्टम जो है हमने इंस्टॉल करवा दिया है, लेकिन ये अभी फंक्शनल नहीं है। इंस्टॉलेशन 4 जगह बायोमेट्रिक हमने लगा दिया है।